नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। दोस्तों, हार्दिक ने कहा गुजरात चुनाव में बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीत सकती है, परिजनों ने की पूजा। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पाटीदार नेता हार्दिक पहले अपने गृह क्षेत्र विरामगाम में वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद हार्दिक पटेल ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि गुजरात चुनाव में बीजेपी हारेगी, इसका स्वाभाविक लाभ कांग्रेस को होगा और वह जीत सकती है। इसके साथ ही जोड़ा कि उन्होंने कांग्रेस का खुले मंच पर समर्थन नहीं किया है। पाटीदारों के आरक्षण आंदोलन पर कहा कि आंदोलन की शुरुआत लोगों के अधिकारों से होती है। बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि रोड बनाना विकास नहीं होता और मुझे इतना मालूम है कि बीजेपी हारेगी। इससे पहले हार्दिक पटेल ने मीडिया से कहा कि हमने गुजरात की जनता से बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील की है, तो समझ जाना चाहिए कि हमने कांग्रेस का समर्थन किया है। इस बीच हार्दिक पटेल के माता पिता को वोटिंग से पहले घर में पूजा अर्चना करते देखा गया। पिता ने भी हार्दिक के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि हमारे बच्चे ने कभी कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया है। हार्दिक पटेल के माता पिता भारत पटेल और उषा पटेल ने विरामगाम विधानसभा सीट में अपना वोट डाला। यह सीट अहमदाबाद जिले में स्थित है। इस विधानसभा सीट में 325 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कांग्रेस की तेजस्वी पटेल ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 84,930 वोटों के साथ सीट जीती थी। 93 सीटों पर हो रही वोटिंग। इस बीच गुजरात चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में उत्तर गुजरात की 53 और मध्य गुजरात की 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला और पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने अपना वोट डाल दिया है। अंतिम चरण में 851 उम्मीदवार मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला 2.22 करोड़ मतदाता करेंगे। अंतिम चरण के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है, मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। सुबह 11 बजे तक 20% मतदान हो चुका है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बेन ने गांधीनगर के आर्यभट्ट हाई स्कूल में स्थित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। उनके साथ उनके छोटे पुत्र पंकज मोदी और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। प्रधानमंत्री की मां ने अपना वोट डालने के बाद मतदान केंद्र के बाहर खड़े मीडिया कर्मियों को स्याही लगी हुई अंगुली दिखाई। उनकी उम्र 90 वर्ष के करीब है। उन्होंने मतदान केंद्र से बाहर आते हुए संवाददाताओं से गुजराती में कहा, भगवान गुजरात का कल्याण करें। वह उन मतदाताओं में से एक हैं जिन्होंने मतदान शुरू होने के बाद जल्दी ही अपना वोट डाला। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी शामिल हैं। दोस्तों, मैं आप तक नई नई खबरें पहुंचाती रहूं, इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।